जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। पहला भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी। अब जैव प्रौद्योगिकी है क्या? जैव प्रौद्योगिकी मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भेषजिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाता है: चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में आनुवांशिकत रूपांतरित फसलें, जैव सुधार, संसाधित खाद्य, ऊर्जा उत्पादन और अपशिष्ट प्रतिपादन में किया जाता है। अब बात करते हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना असंभव है। उत्पादन में वृद्धि आशंकित रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों जैसे खादों तथा पीड़कनाशिकों का प्रयोग एक कारण है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं, वह पारंपरिक प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। इसीलिए जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आनुवांशिकत रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, उन्हें आनुवंशिकित रूपांतरित जीव कहते हैं। जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। इनमें से कुछ हैं: अजैव प्रतिबलों जैसे कि ठंडा, सूखा के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण, रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भरता करना, कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि और खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि, जिसका एक उदाहरण है विटामिन ए से समृद्ध धान। अब एक उदाहरण लेते हैं बीटी कॉटन। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जैसे बैसिलस थुरिंजेरेसिस से निर्मित होता है। अब कपास के पौधों पर कुछ कीट जैसे कि बॉलवर्म उगते हैं और कपास के पौधों को क्षति पहुंचाते हैं, परंतु एक जीवाणु बैसिलस थुरिंजेरेसिस एक ऐसे कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो इन कीटों का नाश कर सकता है। इस प्रकार बैसिलस थुरिंजेरेसिस कपास के पौधों के लिए लाभदायक होते हैं और एक दुश्मन का दुश्मन मित्र के रूप में कार्य करता है। बैसिलस थुरिंजेरेसिस प्रोटीन रवा का निर्माण करता है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। इन विषाक्त पदार्थों का निर्माण जीवाणु में स्थित एक जीन के कारण होता है, जिसे हम क्राइजीन कहते हैं। अब यह जीव विष बैसिलस को कोई हानि क्यों नहीं पहुंचाता? वास्तव में
बीटी जीव विष प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में होता है। ज्यों ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष के संक्रमण में आता है, इसके रवे आंत्र में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाता है। सक्रिय जीव विष आंत में छेद करते हैं, जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाती है। विषाक्त विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बैसिलस थुरिंजियेंसिस से पृथक कर कपास में संविष्ट किया गया है। इससे कपास के पौधों में क्राई जीन अभिव्यक्त होकर कीटनाशक प्रोटीन्स का उत्पादन करते हैं, जो कीट के आंत में सक्रिय होने के बाद कीट के आंत्र में छिद्र करता है और एक कीट की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पौधे को कीट के प्रति प्रतिरोधकता प्राप्त हो जाती है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। जो प्रोटीन जीन Cry1AC और Cry2AB द्वारा कूटबोध होते हैं, वे कपास के बॉलवर्म को नियंत्रित करते हैं, जबकि Cry1AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। अब आते हैं दूसरे पे, पीड़क प्रतिरोधी पौधा। जैव प्रौद्योगिकी से पीड़क का नाश किया जा सकता है। इनमें से एक तकनीक है आरएनए अंतरचेप। आरएनए अंतरचेप सभी समीकेंद्रिकी जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। विभिन्न सूत्रकृमि या निमाटोड मानव सहित जंतुओं व कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। उदाहरणार्थ सूत्रकृमि मेलोइडिगाइनी इनकॉग्निटा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। उपरोक्त संक्रमण को आरएनए अंतरक्षेप द्वारा रोका जा सकता है। इस विधि में विशिष्ट एमआरएनए पूरक डीएसआरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एमआरएनए के ट्रांसलेशन को रोकता है। इस डीएसआरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनों या ट्रांसपोजोन्स के प्रतिकृत के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए हैं। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को पौधों में प्रवेश कराया जाता है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी की कोशिकाओं में डीएसआरएनए बनता है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराए जाने पर कोशिकाओं में एंटीसेंस आरएनए व सेंस आरएनए दोनों का निर्माण होता है। यह दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो डीएसआरएनए का निर्माण करता है, जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है। इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट एमआरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेप आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार परजीवी पौधे अपने सुरक्षा परजीवी से करता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? जैव प्रौद्योगिकी से बीटी कपास और पीड़क प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन और उसके फायदे। अगली वीडियो में चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। धन्यवाद।